भैया मैं एक बात तो कह सकती हूँ, नाम ही नहीं उसका भाग्य भी बदलना है हमको। और हिंदू बोल सकता है, फर्क कितना ही है, नहीं बोल पाएगा वहाँ का मुसलमान। भैया इधर नहीं चलेगी, वहाँ पे तो आप कांग्रेस से मिले हुए थे, यहाँ पे न्याय चलेगी, यहाँ पे धर्म चलेगी, क्योंकि यहाँ पे योगी जी का धर्म है। हैदराबाद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और AIMIM में जोरदार मुकाबला देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी सियासी तपिश जो है वो वाराणसी में भी महसूस किया जा रहा है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ BJP की प्रत्याशी माधवी लता भी वाराणसी में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। माधवी जी, ABP लाइव पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। क्या लगता है हैदराबाद को भाग्य नगर बदलने में अभी कितनी चुनौती? भैया मैं एक बात तो कह सकती हूँ, नाम ही नहीं उसका भाग्य भी बदलना है हमको। लेकिन सबसे ताजुब बात तो ये है कि हमने तो जम के न्याय की लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिन जिन ने वहाँ पर बोगसिंग की है, जिस जिसने वहाँ पर गलत काम करी है वहाँ के प्रशासन से मिलकर, लगता है थोड़ा छुट्टी लेकर फिर वापस काशी आ गए हैं, ये सोच कर देश भूल गया है। लेकिन देश भूला नहीं है, देश याद रखा है और याद रखेगी कि किस प्रकार से आप इतने साल वहाँ पे जीतने की कोशिश करते आए, अब इस प्रकार का खेल नहीं आगे बढ़ेगी। प्रचार प्रसार के लिए AIMIM प्रमुख ओवैसी भी वाराणसी में इस समय मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम भी हुंकार भरने के लिए आए हैं। कौन सा हुंकार भरेंगे? जो हैदराबाद में बोगसिंग करे वो हुंकार भरेंगे आकर? हैदराबाद में जो आप रिगिंग किए हुए हैं उस प्रकार का हुंकार भरेंगे आप इधर? भैया इधर नहीं चलेगी, इधर ऐसा नहीं चलेगी, वहाँ पे तो आप कांग्रेस से मिले हुए थे, यहाँ पे न्याय चलेगी, यहाँ पे धर्म चलेगी, क्योंकि यहाँ पे योगी जी का धर्म है, मोदी भाई का सरकार, इसका मतलब है यहाँ हम लोग आगे बढ़कर अच्छे काम कर उसका प्रदर्शन से हम लोग यहाँ जीतते हैं। बात और है, बड़ा ही गंभीर कार्यक्रम चल रहा था POK पर आधारित, और आपने अपनी बात को भी रखा सबका साथ सबका विकास, ये सब विषयों को रखा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्द पाक अधिकृत कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा होगा, आप क्या मानती हैं? होना ही चाहिए, अभी काफ़ी लेट हो गया मेरे हिसाब से। अगर नरेंद्र मोदी भाई 10 साल और पहले आ जाते तो मेरा लगता आज तक वो भी हमारा होती थी, और इससे ज़्यादा खूबसूरत कश्मीर जो हम लोग ने बचपन में पढ़ी थी वो शायद आज देखने को मिल जाता। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारा होने वाला है वो, और वहाँ से हम ऐसे आगे लेके जाएंगे कि जो हमारे पुराण में जो कश्मीर हम जानते हैं हम फिर से उसको देखना चाहते हैं। आपने वहाँ पर काम भी किया हैदराबाद में, माधवी जी एक सवाल है कि 4 दशक से आपने जैसा जिक्र भी किया, 4 दशक से अधिक एक परिवार का वहाँ पर सत्ता पर काबिज रहे हैं, क्या स्थितियाँ वहाँ पर रही है, क्या लगता है किन कौन से वर्ग है सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ? दोनों का भैया, हिंदुओं का भी हुआ है, मुसलमानों का हुआ है, यही तो है नसीब वहाँ पर, तकदीर पूठा वहाँ पर। बेचारा मुसलमान बात नहीं कर सकता है और हिंदू बोल सकता है, फ़र्क कितना ही है, नहीं बोल पाएगा वहाँ का मुसलमान। एक अंतिम सवाल माधवी जी, पास के ही सटे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, इसके बाद सियासी हलचल भी बढ़ गई, आपने मंच से भी जिक्र किया है भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, आपका क्या उस पर स्टैंड है जो तमाम बयानबाजी उसको लेकर आप? या मैं एक ही बात कहती हूँ, जिस पसमंदे मुसलमानों की ज़िंदगी दलदल में है आप उनके प्रति आंसू नहीं बहाते हो, आप उनके प्रति खड़े नहीं रहते हो, जिस आंसू एक ट्रिपल तलाक के वजह से एक औरत की होती है आप उसके लिए खड़े नहीं होते हो, ये क्यों आप मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए बड़ी प्यार है आपके लिए, बड़े दर्द है आपके यहाँ, ये क्या है? तो पसमंदे मुसलमान नहीं है तो उन गरीब नहीं है, मैं कहती हूँ चंद आंसू उनके लिए भी ज़रा बचा कर रखो, 40 सालों से तो भया नहीं है, कम से कम आपसे भाने की कोशिश करिए आप लोगों ने कह दिया है कि हम लोग अब 400 से अधिक सीटों को 7वें चरण में प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी हम 370 पार प्राप्त कर चुके हैं, वही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो लोग तो 800, मतलब एक तरीके से बड़बोलापन है, और उनका कहना है कि हम 300 सीट इस बार हासिल करने जा रहे हैं। भैया मैं एक ही बात कहती हूँ, राहुल जी पहले मम्मा का हाथ छोड़कर चलना सीखो, बाद में सोचेंगे, समझ में आ गया ना? आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में अकेले भी नहीं आ सकते, आप
मम्मा का हाथ छोड़ोगे तब जाके बड़े होगे, चलोगे, बड़े होगे, कंस्टिट्यूएंसी में अकेले आओगे, बात करोगे, लड़ोगे। ये कहाँ का बात हुई भैया? शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माधवी लता जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।